ओके सो वेलकम टू सेलेब मोड नचिकेत एंड अंजलि और मैंने कंग्रेचुलेशंस इंडियन आइडल के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसी रही जर्नी ऑडिशन से लेके अब तक की जर्नी की अगर बात करें तो कैसा रहा, क्या लग रहा है, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है? पहले तो थैंक यू हम दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बताती हूँ कि ऑडिशन से लेकर अब तक की जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही है और इन सब कंटेस्टेंट में से मैं बहुत ही छोटी हूँ, तो सबसे छोटी हूँ, तो बहुत कुछ नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे मुझे, बहुत कुछ जब सेट पे हम सब जाते हैं तब अलग ही माहौल होता है, सब एक एनर्जी होती है, अलग लेवल की एनर्जी होती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जर्नी रही है। जैसे अंजलि ने कहा कि बहुत बहुत कमाल एनर्जी होती है यहाँ पे सबकी, क्योंकि सब एक पॉजिटिव एम से आगे बढ़ रहे हैं। सो सब मेहनत करने के पीछे हम सब हैं, तो हम एक साथ एक दूसरे से क्या क्या ले सकते हैं, एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं, या फिर हमारे पास जो दो तीन जो हमारे पास जो खूबियां है वो उसमें से हम खुद के साथ साथ दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये जर्नी मतलब हम एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं और ये स्टेप हम यही विश करेंगे कि ये जो स्टेप है उसका कोई डेस्टिनेशन ही ना हो, ये एक एंडलेस माउंटेन हो, वो एंडलेस माउंटेन हम चढ़ते रहे, क्योंकि टॉप पे कभी ना कभी तो पहुंचना ही है और पहुंचने के बाद उधर रुक के कभी ना कभी तो नीचे उतरना ही है। तो व्हाई नॉट जस्ट क्लाइंब एन एंडलेस माउंटेन और जस्ट चढ़ते रहिए और जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। तो ऑडिशन से लेकर अब तक बहुत अच्छा चल रहा है सब, टचवुड, और होप कि सब ऐसे अच्छा चलते रहे। ओके नचिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, आपने यू नो काफी सिंगिंग शोज किए हैं, बट हमने ऐसे सुना है आपको रियलिटी शो में नहीं, इंडियन आइडल में नहीं आना था और आपके फ्रेंड ने आपसे आते के लेकर, तो व्हाट वाज द रीजन कि आपको नहीं आना था, और यू नो दोस्त के कहने पर लॉकडाउन सब आ गया था, तो आइडल का जैसे ही न्यूज आया था तब मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, पर मेरे दिमाग में एक चीज थी कि इंडियन आइडल इतना बड़ा मंच है, ये इतना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पे आते हैं, इतने सुंदर सुंदर गा रहे हैं सब, सीजन 10 और 11 में देखते आ रहा हूँ, और मैं फैन रहा हूँ इंडियन आइडल का बहुत, तो ये दो सीजन से 10 और 11 से। सो आई वॉज लाइक कि मैं सेल्फ जजिंग में चला गया था कि अरे मैं थोड़ी ना इतना अच्छा गा पाऊंगा, या फिर मैं इतना थोड़ी डिजर्व करता हूँ, या फिर मुझे और मेहनत करनी है कि मैं इनके लेवल तक गा पाऊँ। तो मैं खुद को एक्सक्यूज दे रहा था कि सीजन 12 नहीं हो पाएगा, तू शायद से आगे तक नहीं जा पाएगा, थोड़ी और मेहनत कर और 13 के लिए ट्राई कर, थोड़ी और मेहनत कर 14 के लिए ट्राई कर, ऐसे ये जोन में मैं था। और रोहित श्याम राउत सीजन 11 का फर्स्ट रनर अप, तो ही इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और उसने मुझे कहा कि तू ट्राई करके देखना, तुझे ऐसे लग रहा है कि तू कर नहीं पाएगा तो इट्स ओके, तुझे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि तू कहाँ तक डिजर्व करता है, या फिर तू कहाँ तक पहुंच पाएगा अपने खुद के दम पे, और तुझे ये भी मालूम पड़ेगा, पता चलेगा कि तुझे इससे आगे जाने के लिए और क्या मेहनत करनी पड़ेगी। सो रोहित इज द ओनली रीजन आई एम हियर राइट नाउ, आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि ही मेड मी टुक दिस डिसीजन, एंड गॉड इज ग्रेट, ही हैज लाइक गिविंग गुड हैप्पीनेस टू मी। ओके यू नो नहीं सोच कर भी अगर यहाँ पर आना और अब तक के इतना अप्रिसिएशन मिलना और आपके यू नो अलग अलग दो अंदाज देखना लोगों को काफी पसंद आया, क्या ये सोचा था आपने ऐसे कभी होगा? कभी कभी नहीं सोचा था मैंने, मतलब ऑडिशन का फर्स्ट राउंड था तब मैंने तुम जो मिल गए हो गाया था, उसके बाद थिएटर राउंड में मैंने फुल गेंदवाना मारो गाया था, और तब जजेस ने रिक्वेस्ट की थी उन्हें मतलब मेरे बातों से उनको ये पता चल गया कि मैंने थिएटर में काम किया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो ऐसे अचानक डिसीजन हो गया, अचानक सब अरेंजमेंट और मैंने पॉइंट कि मैं मेरे महाराष्ट्र के इतने बड़े कल्चर को और इतने बड़े लेजेंड को प्रमोट कर पाऊं, वो भी इतने बड़े दिग्गजों के सामने और नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत ही एकदम स्विच था, और मुझे ही नहीं पता था कि मैं ये सब कर पाऊंगा, या फिर मेरे मेरे में इतने गुण हैं कि मैं ये निभा पा रहा हूँ या निभा पाऊंगा या फिर निभा पाया। तो ये लाइक इंडियन आइडल हैज गिवन मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस,
और जिससे मैं गुजर गुजर के अभी तक टचवुड सब अच्छा चल रहा है और प्यार भी मिल रहा है उतना ही लोगों का. तो सब क्रेडिट गोज टू इंडियन आइडल. ओके अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जहां से नचिकेत जो प्लेटफॉर्म से आए हैं, आप भी वहीं से आई हो, सारे गांव बस से आए हो आप दोनों, और यू नो आप इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पे काफी यंगेस्ट हो, तो किस तरह का प्रेशर लगता है जब इतने यू नो भारी भरकम सिंगर्स आपके आसपास होते? तो पहले तो इन सब कंटेस्ट में से मैं बहुत छोटी कंटेस्टेंट हूँ और बहुत मजा भी आता है और एक तरफ एक थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि मतलब इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, टैलेंटेड हैं और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है और आज तक उन्होंने बहुत सारे मतलब गाने गाए हैं, बहुत सारे टीवी शोज में काम किया है, तो थोड़ा सा एक टेंशन रहता है कि इनके सामने मतलब एक डेयरिंग चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा टेंशन है और एक तरफ एक मजा भी आ रहा है सबके साथ, एक एक्सपीरियंस बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. तो इतनी छोटी उम्र में बहुत कम लोगों को इतना बड़ा चांस मिलता है इतने बड़े शो में, तो मैं खासकर इंडियन आइडल को बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे टॉप मतलब यहाँ तक चुना और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब यहाँ पे मिलकर मिलकर एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और ऐसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि मैं एक फैमिली रह रहे, सब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब जैमिंग वगैरह सब चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे कि आप सुन रहे हो अंजलि जैसे बात कर रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो 15 साल की, और वो जैसे गा रही है वो तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये 15 साल की, मतलब शी इज लाइक अ मैजिक व्हेन शी गोज ऑन स्टेज. सो मतलब उसके इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा, किसने कितना काम किया है, किसने कितना काम नहीं किया है, ये बाद में आता है, यहाँ इसमें म्यूजिक पहले आता है. और जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, अंजलि ने भी मेंशन किया कि एक फैमिली होगी, तो हम एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और टचवुड ये ऐसे ही मतलब कंपटीशन लेवल का एक ऐसा जो फियर होता ना, अरे यार ये अब इतना अच्छा गा रहा है, अब मुझे अच्छा गाना पड़ेगा तो ही मैं टिक पाऊंगा, ये आ ही नहीं रहा. हम खुद के लिए खुश होंगे उतना हम उसके लिए खुश होते हैं और हम उसके लिए चीयर करते हैं, तो ये बहुत बहुत बढ़िया बात है. यहाँ पे इट इज गोइंग रियली नाइस. ओके नचिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, कभी ऐसे हुआ आप लोगों को अंजलि को देखकर कि भाई ये तो छोटा पैक बड़ा धमाका है, तो मतलब इससे बच के रहो, कभी ऐसे हुआ? अरे बहुत बार हम तो मैं तो अंजलि को हमेशा कहता हूँ कि अरे अंजलि तू बहुत नुकसान कर रही है चैनल का, क्यों तू तू जो ताने मार रही है वो तानों से पीछे के एलईडी सब फूट जाएंगे, थोड़ा सा आराम से ताने मार, लाइक इतने इतने कमाल क्रिस्प, इतना स्पीडी और इतने क्लियर ताने ये इतने छोटे उम्र में मार रही है. तो वो देख के दो चीजें समझ में आती है, दो चीजों का एहसास होता है कि एक तो भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है इस बंदे को, और दूसरी बात वो आशीर्वाद को इसने पहचाना सही तरीके से और उसको प्रॉपर उसकी सेवा की, वो दिए हुए आशीर्वाद की, इसलिए वो इतने छोटे उम्र में इतना अच्छा कर पा रही है. तो ये हम मतलब दिखता है हमको कि क्या बात है, ये दिस इज मैजिक. मैंने जैसे पहले भी बोला कि गजब होता है, तो ये रियलाइजेशन होते हैं कि यार होता है, ये सब कुछ होता है, इसमें बिलीव करना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए. ओके ये प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं आप कंटेस्टेंट्स, तो काफी बड़े बड़े दिग्गज लेजेंड्स सिंगर्स आते हैं यहाँ पर, उनके सामने कह सकते हैं किस तरह का महसूस, किस तरह आप महसूस करते हो, क्या लगता है, कभी नर्वस हुए, कभी ऐसे लगा है कि भाई इतने बड़े सिंगर हैं हम भूल जाएंगे अपनी लाइंस वगैरह? बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत हम लोगों ने तैयारियां की हैं और लास्ट मोमेंट पे जब डायरेक्टर कहता है कि 3 2 1 साउंड, उसके बाद हमको गाना शुरू करना है, तो वो 3 2 1 साउंड इज द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट लिविंग है. वो जो आवाज आती है ना कि 3 2 1 साउंड, क्योंकि हमने एग्जैक्टली धड़कने बहुत तेज हो जाती है, सेकंड में सब ब्लैंक,
शिट मेरा गाना कौन सा है, अरे पहली लाइन कौन सी है, अरे क्यों, अरे ये होता है। तो हम हमें ग्रूम भी अच्छी तरीके से बहुत हमारी म्यूजिक कोचेस करते हैं और किया जा रहा है। हम खुद को बहुत ऐसे समझाते कि हमको चाहे कुछ भी हो, कोई भी आए, वो 3 मिनट वो 4 मिनट सब लोग हमें देखने वाले। वी आर द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल वी आर स्टैंडिंग ऑन, तो वहां पे सब हमें देखने वाले। सो वो डर लेने से अच्छा व्हाई नॉट टेक द पॉजिटिविटी फ्रॉम ईच एंड एवरीवन हु आर सीइंग अस एट दैट मोमेंट। और जैसे बोलते हैं ना कि वो 3 या 4 मिनट या 5 मिनट जितने हमारा गाना है, वो 5 मिनट ही है हमें हमको खुद को प्रूव करने के लिए। तो अगर उस 5 मिनट में हम डर को हम पे हावी होने दे या एंजाइटी को हम पे हावी होने दे, तो हमारा परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं, डर तो बहुत लगता है डेफिनेटली, बट हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को हम पे हावी ना होने दे और हम हमारी मेंटल पीस को बहुत काम रख के परफॉर्म करें। ओके, आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों के कौन से फेवरेट लेजेंड सिंगर्स है जो स्टेज पर आए और आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिए, और किसे आप देखना चाहते हो इंडियन आइडल पर जो आपको आकर कॉम्प्लीमेंट देना चाहे? वैसे तो बहुत सारे गेस्ट आए हैं हमारे शो पर, और जब बादशाह सर आए थे तब उन्होंने मुझसे रैप गवाया था पहली बार, मतलब जिंदगी में मैंने पहली बार रैप गाया था उनके सामने, और मैंने कभी भी रैप नहीं गाया था तो थोड़ा सा टेंशन भी था। तो जब मैंने पहली बार रैप गाया तो उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी, और उन्होंने ये भी, ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, और पहली बार मैंने रैप गाया और वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था मैं ऐसे कहूंगी। तो वो मुझे मोमेंट याद करके अभी भी बहुत खुश होती हूँ और मुझ पर मैं प्राउड फील करती हूँ। इफ यू आस्क मी देन मैं के एक चतुर नार जब मैंने गाया था, तो वो परफॉर्मेंस देखने के बाद हमारे हरभजन सिंह जी, इंडियन क्रिकेट के ऑफ स्पिन बॉलर, अपने वेरी ओन हरभजन सिंह, उन्होंने ट्वीट किया था मेरे लिए कि दिस गाय इज एन अल्टीमेट टैलेंट, मतलब उन्होंने तारीफ की थी मेरी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है हरभजन सिंह और उन्होंने तारीफ की है, तो बहुत उनको अच्छा लगा। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओके, कहीं 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 ना कहीं ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुंच रही है। आके अप्रिशिएट करे ये तुम विश करोगे, या फिर कौन सा सेलिब्रिटी आना चाहिए और उन्हें उस सेलिब्रिटी ने तुम्हें आना चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ अंजलि एंड ऑल्सो लिटिल बिट जेलस ऑफ अंजलि कि खुद साक्षात ए आर रहमान सर के साथ वो काम कर चुकी है और रिसेंटली ट्वीट भी किया था अंजलि के लिए उन्होंने। तो मैं भी मतलब ए आर रहमान सर को मैं बहुत मानता हूँ और आई विश कि वो एक बार हमारे सेट पे आए और हमारा गाना सुने और सबको आशीर्वाद दे। ये हो गए म्यूजिकल गुरु। फिर माय पर्सनल फेवरेट, आई वुड लव दीपिका पादुकोण टू बी देयर ऑन द सेट, और उनको अच्छा लगे, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके, आप जब सिंगिंग सीख रहे थे, आप जब ट्रेनिंग ले रहे थे और तब इंडियन आइडल में आए, ऐसी क्या एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो यू नो इंडियन आइडल में आने के बाद आपको सीखने मिल रही है? इंडियन आइडल शो पर आने से पहले मैं पापा से सीखती थी और अभी भी सीख रही हूँ क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर आने के बाद, मतलब मैं एक ही जॉनर, मतलब मेरा एक ही जॉनर था पहले क्लासिकल म्यूजिक, पर यहाँ पर आने के बाद अलग अलग जॉनर्स मुझे ट्राई करने को मिले, और यहाँ पे जो कोचेस है वो बहुत ही बढ़िया सिखा रहे हैं, हमें अच्छे से रियाज करवा रहे हैं। तो वो एक अलग मेरे लिए था कि अलग अलग जॉनर्स ट्राई करने को मिल रहे थे, कुछ कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी आई, पर यहाँ पर आके वो डिफिकल्टीज को कैसे पार करना है, कैसे उस पर टेंशन ना लेके पार करना है, तो वो सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। और मेरा क्लासिकल जॉनर है, तो उससे मतलब क्लासिकल म्यूजिक जब सीखते हैं हम, तो वो जब सीखते तो अलग अलग जॉनर्स आते भी है, ट्राई करने को मिलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो एक सीखने को मिल रहा है यहाँ पर आके, और बहुत अच्छा लग रहा है। yes.
मेरे लिए एक तो ये नेशनल शो है और यहाँ पे बहुत कई कई जगहों से लोग आए, तो उनका इंडिविजुअल रीजनल म्यूजिक भी है. लाइक फॉर एग्जांपल पवन का अपना पहाड़ी म्यूजिक है, साउथ के जितने भी लोग हैं उनका साउथ इंडियन म्यूजिक है जो कि बहुत रिच है. फिर बंगाल के बंगाल का म्यूजिक, बंगाल का टैलेंट इज वेरी बिग. पंजाबी है, तो ये सब ना मिक्सचर आया है. हम भी महाराष्ट्र से कुछ लेके आए हैं, तो हम एक साथ मिक्सअप करके बहुत कुछ अलग 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 सीखने को मिल रहा है, पहली बात. दूसरी बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शब्दों को समझ के गाना. इसके पहले क्या होता था कि मैं भी आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ क्लासिकल बैकग्राउंड, तो मैं इतना मैं डीपली नहीं सोचता था. अभी यहाँ पे आके एक व्यू मिला है कि गानों के शब्दों को सोच के, उसको समझ के, अपने अंदर लेके, अपने विचारों से उसको बाहर डालना है, उनको पहुंचना है, तो ही वो कनेक्ट हो पाएंगे ऑडियंस को. क्योंकि हर लिरिक्स एक टेंजेंट पे चल रहा होता है जो हर एक बंदा अपनी लाइफ से रिकलेक्ट करता है या फिर कनेक्ट करता है, तो व्हाई नॉट वो लिरिक्स हमारे अंदर लेके हम अपने से उनको दे, ताकि वो खुद कनेक्ट कर पाए. तो ये मतलब बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीजें भी बहुत है जो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो. पर रीचिंग टू द सोल ऑफ द पर्सन, सोल ऑफ द ऑडियंस, ये हम बहुत सीख रहे हैं यहाँ पे. जो पहले बहुत टेक्निकल गाया जाता था कि ओके ये लाइन पे, ये लाइन पे ये सुर है, पर जो फील होता है कि ये शब्द का क्या अर्थ है. जैसे हमारी भाषा में, हिंदी में, कि अच्छा ये ऐसे होता है ना, तो उसके हिसाब से, गानों की नीड के हिसाब से कैसे, तो ये मतलब बहुत कुछ. ओके, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स के लिए गाना, कौन सा आप गाना गाना चाहोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, तो मुझे लगता है अंजलि और मैं एक साथ है, तो मेरे ख्याल से हम दोनों का परफॉर्मेंस ही. You have decided something? No. थोड़ा सा आई पूछ सकता हूँ. ओके, मैं और अंजलि मिलके हम दोनों ने एक बार एडिटी परफॉर्म किया हुआ सूरत पिया की फ्रॉम कटियार काजर दूसरी, ये हम परफॉर्म करते हैं. ओके, सो सुरत पिया की नचिन बिसराई, 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 हर हर दम उनकी याद आई, हर हर दम उनकी याद आई, सुरत पिया की नचिन बिसराई, सुरत पिया की नचिन बिसराई, नैनन औरन को समाए, नैनन औरन को समाए, नैनन औरन को समाए, नैनन औरन को तरपत हो बिल खतरे न निभाए, तरपत हो बिल खतरे न निभाए, तरपत हो बिल खतरे न निभाए, रे न निभाए, अखिया निर असुवन झर लाई, अखिया निर असुवन झर लाई, सुरत पिया किन सुरत पिया किन सुरत पिया किन छिन बिसराई. मैं सभी फैंस को और सभी ऑडियंस को मैं यही मैसेज दूंगी कि अभी तक आपने जितना प्यार, जितने आशीर्वाद
हमें दिए हैं वैसे ही आप आगे भी बरकरार रखिए और हम सभी। पहली बात तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और थैंक यू एंड बहुत 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 थैंक यू कि हम आप हमको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत हमें जरूरत है, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए और उसके साथ ही आप आपका प्यार और सपोर्ट हम तक कैसे पहुंचाओगे तो वो वोट करें। तो जितना हो सके उतना वोट कीजिए, दिल भर के वोट कीजिए और जितने लोग हैं उनको कहिए कि वोट करने के लिए। और जरूर देखिए इंडियन आइडल हमेशा सैटरडे और संडे रात को 8 बजे सिर्फ सोनी पे। और ऐसे ही प्यार करते रहिए क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमको एक पॉजिटिविटी दे रहा है कि टू कीप फाइटिंग एंड टू कीप क्लाइंबिंग विद स्टेडी लेग्स। सो प्लीज कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।